जान लो, इधर देखो, अब ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो, आप नहीं देख रहे हैं। ये दिख, ठीक, हाँ उनकी थोड़ा ये वाला वो नहीं दिख रहा है सर, चलो यहाँ, पानी नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, इसके इधर लिखेंगे। तो देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है, या पोटेंशियल सब जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका साइन जज करना सीखिए। ग्रेविटेशन पोटेंशियल शब्द, पोटेंशियल शब्द तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है ना। जैसे जब भी आप वर्क करते हो, सपोज अगर हमने यहां से कोई चीज नीचे से लिफ्ट करके ऊपर रख दी, तो हमने क्या किया, वर्क किया, ठीक है, लेकिन किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, अर्थ के अगेंस्ट, जो अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही थी उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, वर्क किया। तो हम लोग कहते हैं कि जब भी हम कॉन्फिगरेशन को चेंज करते हैं, कॉन्फिगरेशन मतलब जब भी आप, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है सपोज, और आपने अर्थ पे कोई मास रखा गया है, सपोज यहाँ पे कोई मास एम रखा गया है, और आपने कॉन्फिगरेशन चेंज करके क्या कर दिया, आपने कॉन्फिगरेशन चेंज करके मास को कहीं ऊपर लिफ्ट कर दिया, ठीक है, आप किसी हाइट पे ले गए। इसका मतलब कि जो ये स्मॉल एम मास था और अर्थ का मास है, अर्थ का मास एम ई है, इन दोनों मास के कॉन्फिग्रेशन को, मतलब जो स्पेस में उनकी लोकेशन थी उसको आपने क्या किया, जी चेंज किया, तो आपने ये कॉन्फिग्रेशन चेंज कर दिया। लेकिन अब इसमें दो चीज ध्यान देनी है कि जब भी आप कॉन्फिग्रेशन चेंज करेंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक, हमें किधर फोर्स लगाना है, फोर्स हमें क्यों लगाना है, क्यों, क्योंकि जब भी हम इसे ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, हमेशा अर्थ उसको अपनी तरफ लगाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स अपनी तरफ लगाएगी, ये बात समझ में आया ना। और हमें इसको ऊपर लिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो किधर लगाना पड़ेगा, अपवर्ड अगेन डायरेक्शन में, ये बात समझ में आया ना। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। तो जो हम वर्क कर रहे हैं, हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, सेम डायरेक्शन में है, तो जो वर्क होगा हमारे द्वारा वो पॉजिटिव होगा, हम मतलब एक्सटर्नल एजेंट, है ना। तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि अगर किसी भी सिस्टम पे आप वर्क करते हो तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, है ना। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब हम इसको लिफ्ट करके ऊपर रखे तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज तो हुई नहीं। तो एक्चुअली ये वर्क क्या होता है, टोटल वर्क डन, तो इस पे कौन कौन काम करता रहा है, जिस समय हम काम कर रहे थे, हम मतलब एक्सटर्नल एजेंट, उस समय कंजर्वेटिव फोर्स कौन काम कर रहा था, ग्रेविटी भी काम कर रही थी या ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था। तो इस वर्क में दो लोग हैं, कौन कौन, एक्सटर्नल एजेंट, जैसे जैसे हम इसको लिफ्ट करेंगे एक्सटर्नल एजेंट मतलब हम तो काम कर ही रहे हैं, और साथ में ग्रेविटी भी क्या कर रही है, वर्क कर रही है, तो नेट वर्क क्या है, जीरो है। इसका मतलब कि अगर हमने 10 जूल वर्क किया होगा तो ग्रेविटी ने -10 जूल काम किया होगा, और नेट वर्क जीरो है, इसीलिए कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अपनी जगह पे सही है, ये बात समझ आ गया ना। तो हमने कहा कि जब भी कॉन्फिगरेशन चेंज करोगे आप, वेन एवर वी चेंज द कॉन्फिगरेशन, हमेशा हमें वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट यहाँ पे वर्क करना पड़ा, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। इसका मतलब जो हमारा वो वर्क है वो मैकेनिकल सिस्टम में रहा, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहा, हम उसको रीयूज कर सकते हैं, ये बात समझ में आया ना। इसीलिए कहते हैं कि चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसका मतलब वो आपकी एनर्जी का केयर करता है, आपकी एनर्जी को मैकेनिकल से नॉन मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस चेयर को खींच दें, ठीक, हमने खींचा, हमने कुछ अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करी, हमने वर्क किया इसके ऊपर, क्या उस वर्क को हम रीयूज कर सकते हैं, नहीं। जो हमने ये वर्क किया, ये वर्क क्या हुआ, किसके अगेंस्ट किया, हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया, और नॉन फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव होता है,
उसने हमारे इनर्जी का केयर नहीं किया, उसने उस इनर्जी को जो आपको साउंड सुनाई दी उस साउंड में कन्वर्ट कर दिया। और जहां ये नीचे वाला जो इसका है ना फुट है वो हीट हुआ होगा थोड़ा सा, है ना, हीट में भी कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब कि फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, वो हमारे इनर्जी का केयर नहीं करता है, वो इनर्जी को मैकेनिकल से नॉन मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है। ये बात समझ में आया ना? तो हमने यहां भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में जो हमने वर्क किया वो वर्क किसके अगेंस्ट था, फ्रिक्शन के अगेंस्ट था। इसका मतलब कि हम वो रीयूज नहीं कर सकते, या यूं कहें कि हम यहाँ पे पोटेंशियल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पोटेंशियल शब्द का इस्तेमाल कहां करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। ये बात समझ में आया ना? अब कहां कहां होता है, ये पहला एग्जांपल हो गया जो आपको पढ़ना है। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, दैट इज अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और आपने क्या किया, इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को पुश कर दिया, है ना, खींच देंगे या कुछ करेंगे ना, तो कंप्रेस कर दिया। मान लीजिए आपने अगर कंप्रेस किया तो आपको क्या करना पड़ा, इस कंप्रेस करने के लिए आपको आपने फोर्स लगाया इसके ऊपर ऐसे, और डिस्प्लेस भी किधर किया आपने, इधर ही डिस्प्लेस किया है। इसका मतलब कि आपने जो वर्क किया वो वर्क पॉजिटिव था। अब हमने वर्क किया है किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, इलास्टिक फोर्स होता है, तो हमने इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है। और इलास्टिक फोर्स जो होते हैं ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, वो आपकी एनर्जी का केयर करते हैं, वो स्टोर कर लेंगे। इसका मतलब जो आपने एनर्जी इसको ट्रांसफर करी थी वर्क के थ्रू, वो वर्क स्टोर हो चुका है इस स्प्रिंग में, आप उसको क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। ये बात समझ में आया ना? इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई क्या करता कि इसको इलांगेट कर देता, खींच देता, अगर मान लीजिए कि इसको कोई खींच देता तो ये क्या हो जाता, ऐसे खींच जाता, है ना। अब बताइए हमें फोर्स किधर लगाना पड़ा, हमने फोर्स आगे लगाया, है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, आगे की तरफ हुआ। इसका मतलब कि हमने फिर से वर्क किया और ये वर्क स्ट्रेच्ड फॉर्म में है। अभी भी हमने किसके अगेंस्ट काम किया, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट काम किया, और स्प्रिंग फोर्स हमारी एनर्जी का केयर करता है, वह मैकेनिकल एनर्जी को नॉन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब आप फिर से एनर्जी को क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। आपने कॉन्फ़िगरेशन दोनों जगह चेंज किया, चाहे हम यहां से यहां जाएं तब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, और या यहां से यहां आए तब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। तो वेन एवर यू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, आपका जो वर्क है वो स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ आ गया ना? इसी तरह से तीसरा सिस्टम आता है कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, सपोज देयर आर सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, कुछ नेगेटिव चार्ज है कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे रखे गए, दीज आर द डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द चार्जेस। ये मान लीजिए Q1 चार्ज है, ये मान लीजिए Q2 है, ये मान लीजिए Q3 है। अब इनके बीच में क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है आप कह सकते हो। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को हम वापस चेंज कर दें, अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज ये इधर ले गए, ये Q2 को कहीं इधर लाके रख दिया, Q3 को कहीं हमने मान लो कि इधर रख दिया, है ना, Q3 को हमने यहां रख दिया, तो हमने फिर से कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे आपको वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे किसके अगेंस्ट वर्क करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपके एनर्जी का केयर करता है। इसका मतलब जो आपने वर्क के थ्रू इसको एनर्जी ट्रांसफर करी है अपनी, वो एनर्जी रीयूज करी जा सकती है, या यूं कहिए कि सिस्टम के अंदर वो स्टोर हो चुकी है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कि यहां भी आपने कॉन्फिगरेशन चेंज किया, किसका, इस अर्थ और मास का कॉन्फिगरेशन चेंज किया, लेकिन यहां पे जो आपने वर्क किया वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी भी आपका एनर्जी स्टोर्ड है इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहां पे भी आपने किया कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, किसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, देयर इज अ सिस्टम, है ना। तो दो बातें हैं, जब भी पोटेंशियल शब्द का इस्तेमाल होगा दो पॉइंटर है। पहला पॉइंटर है कि हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बात करेंगे, दूसरा पॉइंटर है हमेशा सिस्टम के लिए बात करेंगे। कभी एक चीज का सिस्टम नहीं होता, सिस्टम में एटलीस्ट कितनी चीजें होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो आप तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जनरल डेफिनेशन है कि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो तो जितना भी वर्क करना पड़ता है
वो वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया जाता है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिखोगे? तो दो बातें हो गई ना, वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है ना, कंजर्वेटिव के लिए बात होगी। दूसरा बात, इट इज डिफाइंड फॉर सिस्टम, है ना, इट इज डिफाइंड फॉर किसके लिए? सिस्टम के लिए डिफाइंड होगा। जैसे यहां पे हमने कहा अर्थ मास सिस्टम हो गया, यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया, यहाँ चार्ज सिस्टम हो गया, तो हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइंड होगा। अब तीसरी बात कि कैसे अमाउंट कैसे, ये तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, है ना, अब क्वांटिटेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना अमाउंट है ना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है, कितना अमाउंट हम लोग, और तीसरी बात हो गई हम लोगों की कि हम हमेशा चेंज की बात करेंगे, तो वी ऑलवेज कैलकुलेट या मेजर, है ना, दोनों बात कर सकते हैं, कैलकुलेट और मेजर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ में आ गया? हमेशा हम लोग चेंज की बात करेंगे कभी भी। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हम किसी पर्सन ए के अकाउंट में हमने मान लीजिए कि 5 लाख रुपए ट्रांसफर किया, मुझे नहीं पता है कि उसका फाइनल अमाउंट कितना हो गया, क्योंकि मुझे यह भी नहीं पता था कि उसका इनिशियल अमाउंट था कितना, ये बात समझ में आया ना। लेकिन हमने जितना ट्रांसफर, हम ये बता सकते हैं कि कितना चेंज आया है उसके अकाउंट में, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि एब्सोल्युटली कितना हो गया, हम ये भी नहीं बता सकते कि कितना था। तो आप एब्सोल्यूट की बात कभी नहीं करोगे, आप हमेशा बात किसकी करोगे? चेंज की। तो जब भी आपको कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा वहां पे? चेंज इन पोटेंशियल। अब निकालेंगे कैसे? तो चौथा पॉइंटर जो फॉर्मूला होगा, और ये किसी के लिए होगा, थ्रू आउट द लाइफ जहां भी पढ़ोगे आप, है ना, ये हमेशा पोटेंशियल चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, दैट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। क्या निकालेंगे? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, या फिर अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो उनका माइनस टाइम्स लिया जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क। तो चाहे आप यहां से निकाल लीजिए, चाहे यहां से निकाल लीजिए, है ना, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क निकाल लीजिए, उसका नेगेटिव टाइम्स कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आपको टाउंड यूज करते रहेंगे जब तक आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। नोट करिए, तो देखिए हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे दो सिस्टम का, मास ऑफ अर्थ एंड एक पॉइंट मास है। तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर ये दोनों मासेस, मतलब अर्थ और जो ये पॉइंट मास है, अगर ये इनफाइनाइटली सेपरेटेड है तो देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड दिस मास। इसका मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है वो निगलेजिबल है। इसका मतलब कि उस इंफिनिटी पे जो मास एम रखा गया है वो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा है। लेकिन जब भी इस पॉइंट मास को हम अप्रोच करेंगे अर्थ की तरफ, अब ये इसके ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में आता चला जाएगा। इसका मतलब कि अब जो अर्थ है उसको अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? अर्थ की तरफ होगा, तो हमें काउंटर करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल एजेंट है, वो राइट साइड में फोर्स लगाएगा ताकि स्लोली धीरे 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 इसको ले आए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल एजेंट हमेशा फोर्स को काउंटर करता रहेगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो अर्थ का फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। सेपरेशन जैसे जैसे कम होता जाएगा अर्थ का फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा, अर्थ और ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस आदमी का टास्क क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे अर्थ की तरफ आएगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ये वाला क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर यहां से लेके यहां तक अगर मान लीजिए कि 2 मीटर आता है तो जो वर्क करना पड़ेगा वो इधर 2 मीटर वर्क में ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। ये बात समझ में आया ना? तो इसका टास्क क्या होता चला जा रहा है, डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। पॉइंटर क्या है, क्या क्या बातें नोट करनी है? पहला, फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर हमें किस फोर्स की बात करनी है, एक वेरिएबल फोर्स की बात करनी है, और जब भी वेरिएबल सिस्टम आता है तो वहां पे इंटीग्रेशन आ जाता है। ये बात समझ में आया ना? इसका मतलब आप ये कहोगे कि जो पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा या डेल्टा यू हम लोग कह रहे थे डेफिनेशन में कि एक्सटर्नल एजेंट के क्या होगा, वर्क के बराबर होगा। लेकिन ये जो वर्क है ये छोटे छोटे वर्क में हम लोग डिवाइड कर देंगे डब्ल्यू ई एक्स टी, है ना, और इसको हम क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। ये बात समझ में है ना? तो हम कहेंगे कि अगर ये किसी डिस्टेंस एक्स पे है, कहां पे है, इस समय एक्स पे है, किसी डिस्टेंस सेंटर से एक्स पे है, इस समय कोई ना कोई फोर्स ये क्या कर रहा होगा, फील कर रहा होगा। तो जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज वर्क जो हो जाएगा एफ इंटू क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे यहां से और यहां के बीच में, आपने कितना डिस्प्लेस किया, डीएक्स डिस्प्लेस किया। तो आपने देखा कि हमने इस इंटरवल में, छोटे से इंटरवल में कितना काम किया, छोटे से इंटरवल में जब हमने इसको खिसकाया था मास को तो कितना वर्क किया, है ना। तो वो आपने इसे कहते हैं कि दैट इज अ, ये जो स्मॉल वर्क हो गया। और ऐसे जो पूरा डिस्टेंस इंफिनिटी से यहां तक की डिस्टेंस है उसको ऐसे छोटे 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 टुकड़ों में आपने क्या कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, इस तरह से कि हम जितना काम करने वाले हैं, यहां पे कितना काम किया, यहां पे कितना काम किया, यहां पे कितना काम किया, ये सारा काम क्या कर लेंगे, एड अप कर लेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, एड अप कर लेंगे। अच्छा, छोटे छोटे पीसेस में क्यों किया आपने, क्योंकि हर पीस में यहां पे फोर्स कुछ और रहा। हम मान लेंगे कि इसमें वो बैरी नहीं कर रहा है, उसका वेरिएशन निग्लिजिबल है, कॉन्स्टेंट मान लेंगे छोटे से इंटरवल में। हमने कहा कि यहां पे भी वेरिएशन निग्लिजिबल मान रहे हैं तो कॉन्स्टेंट फोर्स रहेगा। इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं। तो फोर्स एफ हो गया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डीएक्स हो गया। ये बात समझ में आ गया ना? अब हम लोग क्या कर देंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, क्योंकि उसी को काउंटर करना है। तो क्या होता है, ये जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो ले आ रहे हैं, और डिस्टेंस बिटवीन मास एंड अर्थ मतलब एक्स, क्या हो गया, स्क्वायर डीएक्स हो गया। और एक्स कहां से ला रहे हैं, एक्स वेरी कर रहा है, इन्फिनिटी से स्टार्ट किए हैं तो इनिशियल लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और कहां ला रहे हैं, एक्स इक्वल टू आर पे ला रहे हैं, तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। तो दीज आर द लिमिट्स ऑफ एक्स, कि एक्स का वेरिएशन कहां से कहां तक, शुरू में क्या था एक्स, इन्फिनिटी था, और फिर लास्ट में जब फाइनल आप लेके आ जाओगे, यहां पे लेके आ जाओगे, तो ये कितना सेपरेटेड है, आर डिस्टेंस है। ये बात समझ में आया ना? तो x किसको कवर कर रहा है, x जब इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी चला जाएगा पॉइंट, और x जब r होगा तो पॉइंट p के बीच की बात कर रहा है कि हमने इस p से इन्फिनिटी के बीच में लाने में कितना वर्क किया है बाय डेफिनेशन। अब ये देखिए, अब इसमें आपको कॉन्स्टेंट चीजें बाहर हो जाएंगी, तो हमने कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है ना, और मास ऑफ अर्थ कॉन्स्टेंट है, वो तो नहीं बदलने वाला है, ऑब्जेक्ट को ला रहे वो भी मास नहीं बदल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी से, अब एक्स इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं ना, इन्फिनिटी से आर, और ये क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स होता है। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि माइनस वन बाई एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन, या हम यहाँ फॉर्मुला लिख दे रहे हैं कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे वन बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका क्या मतलब हुआ, एक्स की पावर माइनस टू डीएक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, इसका मतलब एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो फाइनली वो आपको याद होना चाहिए, चाहे आप उसके लिए जितना स्टेप बढ़ा दीजिए, बस डेरिवेशन बड़ा दिखेगा। तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जी एम ई एम, और ये हो गया माइनस वन बाई क्या हो गया, एक्स हो गया, और इन्फिनिटी से कहा है आर है, तो पहले अपर लिमिट डालेंगे
तो अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एम ई एम, पहले अपर लिमिट ही डालते हैं ना, तो माइनस वन अपॉन क्या हो गया आर हो गया, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस वन अपॉन इंफिनिटी, और वन अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है, क्या होता है जीरो, तो ये क्या आ गया, दैट इज जी एम ई एम अपॉन आर माइनस का है ना, माइनस का, इस माइनस साइन का अपना सिग्निफिकेंस है, ठीक। तो ये डेरिवेशन हो गया आपका, यहां से आप डिवाइड कर लेंगे ना, तो आपका कितना आ गया, यहां लिख दे रहे हैं फॉर्म में, तो जो आपका पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है डेल्टा यू बाय डेफिनेशन माइनस जी एम मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन क्या आ गया आर आ गया, ये बात समझ में आ गया। इसका मतलब कि अच्छा चेंज क्या कहेंगे, हम कहेंगे जब ये यू टू माइनस यू वन फाइनल माइनस क्या होता है इनिशियल होता है, तो फाइनल कहां पे आ गया है एक्स इक्वल टू आर पे है, यहां आर लिखेंगे यू आर, और कहां से चला था इन्फिनिटी से चला था, तो हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या हो गया माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर हो गया। इसका मतलब, और हम कहेंगे जब ऑब्जेक्ट इनफाइनेटली सेपरेटेड था तो देयर इज नो इंटरेक्शन, कोई भी पोटेंशियल कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाएगी, तो ये हम रिफरेंस जीरो मान ले रहे हैं इन्फिनिटी में जब ऑब्जेक्ट था, तो ये टर्म क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ आर पे, जब आर सेपरेटेड होगा ऑब्जेक्ट तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ये तो डेरिवेशन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है, इस निगेटिव साइन का क्या मतलब होता है, निगेटिव साइन का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी है ये, ठीक है, ये बाइंड करके रखता है अट्रैक्ट करके रखता है, ये बात समझ आ गया ना, तो नोट करिए इसको, तो बोल के दिमाग लगाने लगते हैं। देखो तो हमने कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री पार्टिकल्स है ना प्लेस्ड इन द स्पेस, तो हमने कहा कि ये डिस्टेंस हमने मान लिया कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस सी है ना, तो जो ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप होती है स्टैंडर्ड, ए के सामने की साइड स्मॉल ए कहते हैं, बी के सामने की साइड को स्मॉल बी कहते हैं, सी के सामने, तो उस स्टैंडर्ड के फॉर्म में हम चल रहे हैं। वैसे हम लोग जब भी एम वन और एम टू के बीच की बात करेंगे तो इसे कहा जाता है आर वन टू, किसके बीच में सेपरेशन है, वन और टू के बीच में सेपरेशन है, और अगर मास टू और मास थ्री के बीच की सेपरेशन है तो इसे आर टू थ्री कहते हैं, ये बात समझ में आ गया, और अगर वन और थ्री के बीच की बात करनी है तो हम क्या कहेंगे इसे आर वन थ्री कहेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का लिखना है, तीन पार्टिकल का लिखना है, तो आप ऐसे लिख लीजिए, पहले एम वन हो गया, एम टू हो गया, और क्या है M3 है, तो पहले M1 M2 देखेंगे, फिर क्या देखेंगे M1 और M3, और आखिरी पेयर क्या बचा M2 और M3, तो जितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, तीन पार्टिकल थे और दो को चूज करना है, तो 3C2 मतलब 3 by 2 into 2 by 1, तो 2 2 कट गया, कितने पेयर बनने वाले हैं, ये बात समझ में आया ना, तो तीन बनने, वैसे आप याद रख लीजिए कि n n minus 1 upon 2 होता है ना, ये नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं n into n minus 1 by 2, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पेयर बनेंगे इतने। अब देखिए जब हमें m1 और m2 के बीच का लिखना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ u equals to क्या हो जाएगा माइनस m1 m2 g और m1 m2 अपॉन m1 और m2 के बीच की सेपरेशन मतलब r12 r12, ये बात समझ में आ गया। अब फिर क्या लिखेंगे किसके लिए, इसका हो गया M1 M2 का M1 M3, क्या लिखेंगे माइनस G क्या हो जाएगा हाँ M1 M3 अपॉन R13, ठीक है, और माइनस लास्ट पेयर के लिए G M2 M3 अपॉन था नहीं टू थ्री ना टू थ्री, ठीक है। अब हम अपने इस डेटा के लिए डिकोड कर दें, देखो कॉमन क्या हो रहा है, जी कॉमन हो रहा है एटलीस्ट माइनस का, तो माइनस जी कॉमन कर लो, ठीक है, इसे क्या लिख देंगे एम वन एम टू अपॉन, अच्छा आर वन टू को देखो हम क्या कह रहे हैं, आर वन टू सी है तो सी लिख दिया, अब प्लस क्योंकि माइनस कॉमन हो चुका है तो क्या हो जाएगा M1 M3 अपॉन R13 B हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा M2 M3 अपॉन C,
तो ये लिखने आना चाहिए, फिर वैल्यू डालने आना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम को। ठीक, चलो नोट पास। तो क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर इक्वल मासेस placed at corner of masses, या mass m लिखा ना, placed at corner of square of side a, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन, तो हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो हमने कहा कि स्क्वायर के कॉर्नर पे चार मासेस रखे गए हैं, से ये स्क्वायर का ए हो गया, यहाँ पे भी मास एम है, एम वन इक्वल टू एम हो गया है ना, और बी यहाँ पे भी एम टू सपोज मास होता, यहाँ पे भी एम है, इक्वल मासेस कहा गया है। सी पे हम मान लेते एम थ्री होता, लेकिन एम थ्री भी एम है। ठीक है, आपके लिए हो सकता है बगल में कुछ बदल दिया जाए डेटा, तो आप कर लोगे। D इक्वल टू मान लो M4 है, तो क्या हो गया, यहाँ भी M हो गया। अब साइड A दे रखा है तो स्क्वायर है, तो ये सारी साइड क्या हो गई, इक्वल हो जाएगी, लेकिन डायगनल भी चाहिए, हम बीच में जरूरत पड़ेगी, तो डायगनल आए आप निकालेंगे तो ए रूट टू आएगा, क्या आएगा है ना, ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस लगा देंगे है ना, तो पाइथागोरस से हाइपोटन्यूज मतलब डायगनल BD आ जाएगा, और स्क्वायर के चारों दोनों डायगनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बहुत आसान है। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, तो हमारे पास कितने मासेस हैं, देयर आर फोर मासेस, तो चार मास हैं, तो हमने कहा कि नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, n पार्टिकल के n n-1/2 पेयर्स बनते हैं, तो 4 × 4-1 कितना हो जाएगा, 3/2, 6 पेयर बनेंगे। अब वो आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि कौन से वो 6 है, हमें तो पता चल गया ना कि 6 बनेंगे, तो M1, M2, M3 और क्या हो गया, M4 हो गया। तो देखो एक M1 क्या हो गया, हाँ M1, M2, ठीक है, तो तीन तो ये हो गए, और 2, 3, 1, 4 और 1, 5 हो गया, और ये वाला 6 हो गया। ये बात समझ में आ गया, तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जो U हो जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस जी हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा M1 और M2 अपॉन R12, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, दूसरा पेयर M1 और M3, तो M1 M3 अपॉन क्या हो जाएगा R13, और प्लस M1 M4 अपॉन R14, प्लस M2 M3 अपॉन R23, और प्लस M4 अपॉन R24, और प्लस M3 M4 है ना, 6 पेयर था ना, M3 M4 अपॉन क्या हो जाएगा R34। अब ये सारे मासेस और डिस्टेंसेस आइडेंटिफाई कर लीजिए, 6 हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। अब देखो R12 मतलब मास, ये m और m, m स्क्वायर हो जाएगा, हर जगह m स्क्वायर हो जाएगा, उसका दिक्कत है नहीं, लेकिन R12 क्या है, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस, R12 क्या हो गया, a हो गया, ये बात समझ में आया ना, तो हम क्या लिख देंगे इसको, दैट कुड बी रिटन एज ए माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए, प्लस ये बताओ क्या हो जाएगा, M1 और M3
अब यहाँ पे ए रूट टू हो जाएगा, डायगनल इन्वॉल्व हो गया। हाँ तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन ए रूट टू प्लस वन फोर, वन और फोर हो गया है ना, ए ही रहे तो एम स्क्वायर अपॉन ए हो गया प्लस क्या हो जाएगा वन, ये क्या है एक दो तीन हो गया, ये टू थ्री, तो टू और थ्री ए है तो एम स्क्वायर अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा हाँ एम स्क्वायर अपॉन ए रूट टू और प्लस एम स्क्वायर अपॉन ए। ये बात समझ आ गया? तो बताओ एम स्क्वायर अपॉन ए चार्ट आ गया, तो क्या लिख दे कि हाँ तो यहाँ पे लिख देते हैं जी माइनस का, ये माइनस का जी लिखा ही है, माइनस का जी और इधर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर फोर टाइम्स एम स्क्वायर अपॉन ए और दो ठो क्या आ गए ए रूट टू वाले, तो टू टाइम्स एम स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए रूट टू। अब जो कॉमन एम स्क्वायर अपॉन ए तो कॉमन हो रहा है ना एटलीस्ट, है कि नहीं, तो कॉमन कर लेते हैं तो चलो टू ही कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से रूट टू कट जाएगा ना एक्चुअली, है ना, तो छोड़ देते हैं पे, तो क्या हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए और अंदर हो जाएगा फोर प्लस रूट टू, समझा गया? तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक नोट कर लो बस लिखो डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी, determine the potential energy of system of masses, equal masses, system of equal masses placed at corner of cube of side A. ठीक, तो ये करके लाना है इसको, है ना, हाँ करना तो कितना समझ में, सेम ये जेम पूछा गया है, पास कर देना पास।